नमस्कार फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन लेके आया हूं। जो भी भाई और बहन मेरी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों मैं बता देता हूं, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी से बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे फर्स्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ओवरऑल हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे हरियाणा की, आप कहीं से भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जॉब चाहिए और हरियाणा से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले सबसे फर्स्ट चाहिए, तो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट जॉब्स है बहुत ही ज़्यादा निकल कर आ रही है सभी जिले से बार बार। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जॉब्स भी चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में क्या पोस्ट निकल कर आ रही है, क्या उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको किस टाइप से उसमें जॉब मिलेगी, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा जिस डिपार्टमेंट पे जो जॉब्स निकल कर आएगी उसके बारे में। इसलिए अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड कर रखा है सभी स्टूडेंट के लिए, वहाँ पर आप भी ऐड हो सकते हैं, हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी ऐड हैं वहाँ पर। उसको एक बेनिफिट होगा आप सभी को, एक तो 24 घंटे आपको जो भी न्यू अपडेटेड आएगी, कोई भी न्यू अपडेट चीज़ आएगी, तो वो आपको सबसे पहले सबसे फास्ट उसी चैनल पे देखने को मिलेगी टेलीग्राम पर, और साथ में सबसे हटकर जो चीज़ें मिलेंगी वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। जो सबसे पहले सबसे फास्ट सबसे न्यू अपडेटेड चीज़ें जो भी आती हैं वो भी ऑफिशियल वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको कोई फॉर्म भरते टाइम कोई लिंक नहीं मिल रहा, कुछ PDF समझ में नहीं आ रहा, कुछ स्टेप समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका हमारा जो टीम है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका सॉल्यूशन निकालकर आप तक भेजेगी। ओके दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो क्या रहने वाली ये भी आपने देख के ही पता लगा लिया होगा, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट जॉब्स आई है वो भी आयुष विभाग में, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की भर्ती रहने वाली है। 10वीं 12वीं पास वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इसलिए पूरे हरियाणा में जॉब्स निकल कर आ रही हैं। पहले मैं बारी बारी से जिस जिस जिले में जॉब्स निकल कर आ रही है पूरा आपको डिटेल वाइज बताऊंगा, उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस टाइप को आपको अप्लाई करना होगा और आपकी क्वालिफिकेशन किस टाइप की होनी चाहिए इस एलिजिबल के लिए। ओके दोस्तों, तो आप वीडियो पर बने रहे, एंड तक वीडियो को देखिए, अगर आपको बढ़िया नोटिफिकेशन लगता है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगला जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास से ही हो सकता है, आपके जिले से भी हो सकता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं, पूरा वीडियो डिटेल वाइज बता देता हूं। ओके गाइज, सभी भाई और बहनों को बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी, पहले मैं हिसार की बात कर लेता हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट क्या 1 मार्च से स्टार्ट हो गई है, लास्ट डेट क्या 8 मार्च तक लास्ट डेट रखी गई है। रिटर्न एग्जाम की अभी तक अपडेटेड सुन है, कोई भी डेट फिक्स नहीं हुई है, इसमें एग्जाम भी लिया जाएगा, इसलिए अगर कोई भी इसमें लगना चाहता है तो इस एग्जाम के लिए जो भी अपडेट आएगा, कोई भी डेट फिक्स होती है तो अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। इसलिए न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। एप्लीकेशन फी की मैं बात करूँ तो इसमें आपका एक भी पैसा लगने वाला नहीं रहेगी, 0 रुपये आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी। एज की इसमें मैं बात करूँ तो 18 से लेकर 42 साल के सभी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। 80 OBC अगर किसी भाई और बहन को अगर छूट चाहिए वो भी इसमें मिल जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप चेक करें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। टोटल पोस्टें की मैं बात करूं, टोटल पोस्ट इसमें 2 निकल कर आ रही हैं, किस किस पोस्ट पर आपकी जो भर्ती होने वाली है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के ऊपर होगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक भर्ती निकाली गई, जिसमें 2 पोस्टें टोटल है। हिसार की मैं बात कर रहा हूं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भिवानी में भी आ चुकी है, काफ़ी जगह इनकी जो भर्ती आ रही हैं ये आप अपने चेक कर सकते हैं। लिंक आपको सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाए, या मेरे को कॉमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, वहाँ भी आपको पिन करके जो भी लिंक मिलेगा आपके डिस्ट्रिक्ट से वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जॉब्स हैं, डाटा एंट्री जॉब्स हैं, ये बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है सभी जिले से, इसलिए आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। इसमें ओनली आपका ग्रेजुएट कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का। डाटा एंट्री के लिए आप अगर अप्लाई करते हो तो ग्रेजुएट पास होना चाहिए, 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी से इस भर्ती को आप देख सकते हो। ओके गाइज, जिसमें मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए, तो आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए पहली बात तो, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट MBA के लिए मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की मैं बात करूं तो ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन से, जिसमें 1 ईयर का आपको पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। हर जिले से भर्ती निकल कर आ रही है आयुष विभाग में भी, तो इस चीज़ को आप चेक भी कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म है, ये ऑफलाइन रहने वाला है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करें और पूरा साफ साफ अच्छे से ओवर राइटिंग किए
कटिंग नहीं करनी है पहली बात तो, किसी भी स्टूडेंट को इसको अच्छे से फील करना है। साथ में सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो भी आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से मांग रखे हैं वो इसके साथ लगाने हैं। बाहर लिफाफे पे आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, प्रोग्राम मैनेजर के लिए, वो इस चीज़ को आप फील करें। और आगे आपको किस एड्रेस पर अपना जो भेजना होगा डॉक्यूमेंट सारे, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिस पॉलिसी पॉली क्लिनिक बिल्डिंग सेक्टर 1 और 4 हिसार, इस एड्रेस पर आपको जो भी अपना डॉक्यूमेंट है, स्पीड पोस्ट नहीं करवाना, नॉर्मल डाक से आपको इस जगह पर भेजना होगा। और लास्ट डेट आपकी 8 मार्च रखी गई है। जॉब लोकेशन की मैं बात करूँ तो जॉब लोकेशन आपकी इसमें हिसार ही रहने वाली है, हिसार से निकल कर आ रही है तो हिसार ही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। भिवानी में है तो भिवानी में आपकी भर्ती रहेगी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जींद में आ रखी है तो जींद में आपकी जॉब लोकेशन दे दी जाएगी। ओके गाइस, तो सैलरी की मैं बात करूँ तो सैलरी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। इसमें डाटा एंट्री की तो 16,000 रुपये मिलेगी पर मंथ और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर को 30,000 रुपये पर मंथ इसमें दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, रिटर्न एग्जाम ओनली स्किल टेस्ट पर ही आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो इसी बेस पर ले लिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत आसानी से इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहले देख रहा है तो इस चीज़ को तुरंत अप्लाई करने की सोचे, बिना टाइम वेस्ट किए इस चीज़ को अप्लाई करें, क्योंकि जो डिसीलेट जॉब्स होती है बहुत ही कम मात्रा में पोस्टें आती है दोस्तों, वो आप तक नहीं पहुँच पाती। उसका यही रीजन है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट क्या भर्ती निकल कर आ रही है वो आपको पता तक नहीं चल पाता। वहाँ पर जो कैंडिडेट लगे होते हैं उनके ही कैंडिडेट वहाँ पर लग जाते हैं। इसलिए जैसे ही आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता है आप देखते ही उस चीज़ को अप्लाई कीजिए। जैसे ही लिंक आपको मिल जाता है तो आप उस चीज़ को अप्लाई के लिए डाउनलोड कर ले फॉर्म को, अच्छे से फिल करके तुरंत उस चीज़ को पोस्ट कर दे। आपको ज़रूर से ज़रूर डिसीलेट जॉब्स के लिए मौका मिलेगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अगर अच्छा नोटिफिकेशन लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके रखे। साथ में वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को साथ में लाइक करना। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।